हे गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है हमारे चैनल पे एक बार फिर से। एंड आज की वीडियो भाई काफी ज्यादा स्पेशल होने वाली है, बिकॉज इस वाली वीडियो के अंदर मैं अकेला नहीं हूँ। इस वीडियो में मेरा साथ देने वाले हैं आपके स्पेशल गेस्ट, जो कि हैं एल्फू भाई। एंड आई बिलीव आप में से मोस्ट ऑफ द लोग एल्फू भाई को जानते ही होंगे, लेकिन जिन 0.1% लोगों को नहीं पता, उन्हें मैं बता दूं कि एल्फू भाई भी हमारी ही तरह एक यूट्यूबर है, जो कि मोबाइल गेमिंग न्यूज से रिलेटेड अपने चैनल के ऊपर कॉन्टेंट रेगुलरली अपलोड करते रहते हैं। सो उनके चैनल का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाके उनके चैनल को एक बार जरूर से चेकआउट करना, आपको डेफिनेटली पसंद आने वाला है। सो नाउ अभी आते हैं वीडियो टॉपिक के ऊपर। इस वीडियो में मैंने और एल्फू भाई ने वॉरजोन मोबाइल के रिलेटेड कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का जवाब दिया है, लाइक वॉरजोन मोबाइल का साइज क्या होगा, इसके खेलने के लिए हमें कितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स लगेंगी, एंड गेम की रिलीज डेट क्या हो सकती है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस का हमने जो है आंसर्स दिया है। सो वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा, और अगर आपके माइंड में कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, लाइक अगर आप इसकी रिलीज डेट के बारे में ही जानना चाहते हो, तो मैं आपको टाइम स्टैम्प दे दूंगा, आप वहां पे जाके सीधे स्किप करके भी देख सकते हो। सो नाउ वीडियो को फाइनली सीधे स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइस, हियर वी आर विद हाइड्रा गेमिंग। हाइड्रा गेमिंग भाई, क्या हाल है, कैसे आप? बहुत बढ़िया भाई, और आप बताइए, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। बहुत दिनों के बाद आप YouTube पे वापस आए हो। पहले तो ये बताओ कि इतने दिन तक थे कहां? भाई वो जैसा कि अभी मैंने लाइक रीजन बता ही दिया कम्युनिटी पोस्ट में भी, और वैसे वापस कम बैक पे आने के टाइम पे भी, कि लाइक बोर्ड्स वगैरह था तो उसका थोड़ा बहुत सीन था, बाकी अभी खत्म हो चुका है, तो उसके बारे में रहने दो, आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर में फोकस करते हैं। अभी जो है गाइस, यस, फ्यूचर में ऐसा कोई प्लान नहीं है ऐसे छोड़ के जाने का, तो अभी कंटिन्यू करना है एकदम। तो गाइस, हाइड्रा गेमिंग भाई जो है अभी वापस आ चुके हैं यूट्यूब पर फुल ऑन, एकदम अभी कंटेंट ही कंटेंट वो अपने चैनल पर डालेंगे, जाके उनको थोड़ा सपोर्ट दिखाइए गाइस। उनका चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो एनीवेज, आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं वॉरजोन मोबाइल के ऊपर, या फिर कॉड मोबाइल 2 या फिर कॉड मोबाइल 2022। और ये जो डिस्कशन है, ये हाइड्रा गेमिंग भाई एंड मेरे साथ, मतलब सॉरी, ये हाइड्रा गेमिंग एंड मैं खुद करने वाला हूँ। हाइड्रा गेमिंग के पास बहुत सारे सवाल है, वो आज जो है मुझसे वो सारे सवाल पूछेंगे, मैं उनका जवाब दूंगा, उसके बाद वो भी अपना ओपिनियन रखेंगे। सो हाइड्रा भाई, चलिए शुरू करते हैं। Okay, फिर चलिए शुरू करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। बाय द वे, वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर। हाँ भाई, लाइक कर दो, हाइड्रा गेमिंग चैनल को चेकआउट करो, उनको सब्सक्राइब करो, मेरे को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ कि मतलब अगर कोई सवाल हमसे छूट चुका है इस वीडियो पे, तो और अब चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो पे हम वीडियो के अंदर वो कवर हो। हाँ, नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो सारे सवाल कवर हो, तो भाई नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो कि भाई ये सारे सवाल आप प्लीज लो, मतलब नेक्स्ट वीडियो पे कवर कीजिए, तो हम जो है वो कर देंगे, उसका टेंशन नहीं है। तो हैदर भाई, पहला क्वेश्चन क्या है पूछिए। तो एल्फू भाई, पहला क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आऊं, जो कि है काफी लोगों को ये क्वेश्चन जो है रहता है गेम के बारे में, वॉरजोन मोबाइल से रिलेटेड, कि गेम का जो है साइज कितना हो सकता है एक्सपेक्टेडली, आपको क्या लगता है इस चीज के बारे में, आप अपनी राय दीजिए। तो गेम के साइज के ऊपर मेरा तो ओपिनियन यही है कि गेम का साइज ज्यादा होगा, ठीक है, ज्यादा होगा। ऐसा क्यों मैं बोलता हूँ, देखो हैदर भाई, सबसे पहली बात तो ये कि आपने देखा होगा कि जब भी हम कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हैं उसके अंदर कितने सारे एसेट्स आते हैं, राइट, मैप्स होते हैं, मैप्स के साइजेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, बहुत सारे मल्टीप्लेयर के मैप्स है, बैटल रॉयल के मैप्स है, ज़ॉम्बी मोड भी उस पे है, और भी जो मतलब कैरेक्टर स्किन्स, उसके बाद जो वेपन स्किन्स, बहुत कुछ है, बहुत कुछ। वैसा ही सेम चीज़ कॉड मोबाइल 2 या फिर वॉरजोन मोबाइल में भी होगा, और ये कन्फर्म्ड है कि जो नेक्स्ट गेम आने वाला है कॉड मोबाइल 2 या फिर वॉरजोन मोबाइल, आप इसको कह लीजिए, इसमें मल्टीप्लेयर कन्फर्म्ड है, बैटल रॉयल कन्फर्म्ड है, और एक PvE मोड भी है। ये जो PvE मोड है, 100% में से 99% चांस ये है कि ये जो मोड है ये ज़ॉम्बी मोड होगा। तो अगर ये तीनों मोड आ जाते हैं, गेम का साइज है वो 10 GB को क्रॉस कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है, आप अपना ओपिनियन? बिल्कुल, अगर मान लो ये कि ये तीन मोड्स हमें गेम में देखने के लिए मिलते हैं, तो गेम का साइज ऑब्वियसली बात है थोड़ा बहुत तो बड़ा होने ही वाला है, एंड कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल को भी अगर आप देख के चलते हो तो 10 GB तो एक्सपेक्टेड उसका ही साइज आपको देखने के लिए मिल जाता है, अगर आप सारे एसेट्स को कम्प्लीटली लाइक डाउनलोड कर लेते हो तो अगर वॉरजोन मोबाइल भी अराउंड 10 GB तक का रहता है तो उसको देखने में हमारे लिए कोई हैरानी की बात नहीं होने वाली है। बिल्कुल सही बात है, ये तो यही है।
ठीक है। बट स्टार्टिंग में, मतलब देखो स्टार्टिंग में ये तीनों मोड शायद हो सकता है कि एक ही बारी में ना लाया जाए। हो सकता है कि जैसे कि अभी एपेक्स मोबाइल में आप देख रहे हो, पहले सिर्फ बैटल रॉयल मोड को लाया गया, उसके बाद मल्टीप्लेयर आया, है ना। समझ रहा हूँ मैं। तो अगर हाँ, तो अगर मतलब वॉरजोन मोबाइल एक ही बारी में तीनों मोड्स को ना लाके एक एक करके तीनों मोड्स को लॉन्च करता है, तो ऐसे में गेम का साइज धीरे धीरे करके बड़ा होगा और लोगों को एकदम से हैरान नहीं होंगे लोग, मतलब वो थोड़ा बहुत करके ऐसा झेल पाएंगे। हाँ हाँ। तो अगर एक्टिविजन अपने गेम के साथ इस चीज को फॉलो करता है तो उनके गेम के लिए भी ये चीज काफी बढ़िया रहेगी एंड लोगों के लिए भी ये चीज काफी सही रहेगी। ओके, तो ये था हमारा पहला सवाल। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाइड्रा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं एंड अल्फू भाई से भी ये सवाल बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है ऑलमोस्ट हर एक वीडियो के ऊपर, कि गेम क्या हमारे फोन में चल पाएगा। हाँ देखो, गेम चलाने की बात अगर आती है तो सबसे पहला चीज जो हमको ध्यान में रखना होगा कि ये जो गेम है ये एक ट्रिपल ए गेम है। ट्रिपल ए गेम्स वो गेम होते हैं जिनकी क्वालिटी टॉप नॉच होती है, जिनमें मतलब जिनको चलाने के लिए तुम्हारे पास एक अच्छे डिवाइस का होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली एक ट्रिपल ए गेम लॉन्च हुआ मोबाइल डिवाइसेस के लिए जिसका नाम है एलियन आइसोलेशन। ये जो गेम है, मैंने इस गेम को खेला, मेरे डिवाइस में फिर भी ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन बहुत सारे डिवाइस में ये 40 FPS या फिर 50 FPS तक भी नहीं मिल रहा है एंड इट्स जस्ट ए स्टोरी मोड गेम। नाउ इमेजिन यू आर प्लेइंग ए बैटल रॉयल मल्टीप्लेयर ज़ॉम्बी मोड इन अ ट्रिपल ए मोबाइल गेम, तो उसका जो एक्सपीरियंस है वो नेक्स्ट लेवल का होगा। और अगर आपके पास एक 2 GB या फिर 3 GB रैम वाला फ़ोन है विथ ओल्ड जेन GPUs, देन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये जो गेम है ये आपके डिवाइस में चलेगा। सो आई वुड से कि एटलीस्ट कम से कम लाइक 4 से 6 GB रैम वाले फ़ोन खरीद लीजिए, या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी एक 4 या फिर 6 GB रैम वाला फोन है जिसमें ठीक ठाक GPU एंड प्रोसेसर है, तो वहां पे जो है आप इस गेम को चला लेंगे, उसका कोई टेंशन नहीं है। हाइड्रा भाई, आपका क्या ओपिनियन है? मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि लाइक आपने ये तो बता दिया कि कितने डिवाइस में, मतलब कौन कौन से फोन में चल सकता है, क्या आप ये बता सकते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती है? लाइक कितनी रैम होनी चाहिए, कितना स्टोरेज, कितना हमारे पास प्रोसेसर होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, वो सब भी एक बार बता देंगे तो लोगों को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाएगा। आई थिंक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, जैसे कि मैंने पहले कहा था, लाइक बहुत पहले मैंने कहा था कि भाई एटलीस्ट 6 GB रैम चाहिए, लेकिन बाद में जब मैंने जो एक्टिविजन के अंदर एक बंदा काम करता है जिसके साथ मेरा कॉन्टैक्ट है उससे मैंने बात किया, तो वो बोल रहा है कि एक्टिविजन जो है वो जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिवाइसेस में इसको चलाना चाहता है, लेकिन लो एंड डिवाइस में ये गेम नहीं चलेगा। सो आई थिंक एटलीस्ट 4 GB रैम वाले फोन्स में एंड स्नैपड्रैगन 720 वाले डिवाइसेस में ये गेम चल जाएगा, ठीक है, इतना तुम गारंटी रखो, लो में तुम खेल पाओगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो हैदरा भाई इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? तो आपका जो इसके ऊपर ओपिनियन था, मेरा भी सेम ही ओपिनियन है, बिकॉज देखो अगर ये एक गेम, हमें तो पता है कि ट्रिपल ए क्वालिटी का ही होने वाला है, कोई छोटा मोटा गेम नहीं होगा, तो 2-3 GB के जो रैम के डिवाइसेज हैं उनमें चलना इनका ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सो मिनिमम यू शुड हैव एटलीस्ट 4 GB रैम का फोन, उसमें तो चली उसमें मतलब मान सकते हो कि लो ग्राफिक्स में आपको गेम चल सकता है, एंड अगर 6 GB रैम तक का कोई फोन ले सकते हो सो इट वुड बी बेटर फॉर यू, आपको थोड़ा सा और ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे पाएगा, थोड़ा सा और ज्यादा आपको FPS दे पाएगा गेम में, एंड स्मूथ गेमिंग हो पाएगी आपके लिए। हाँ, एकदम सही बोला, एकदम सही बोला। हाँ, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हर्ष भाई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो उतना ज्यादा पुराना नहीं है, ये अभी अभी निकल के आया है, कि क्या वॉरजोन मोबाइल ही कॉड मोबाइल 2 है? ओके, या फिर दोनों अलग अलग गेम्स होने वाले हैं? ओके, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा लोगों के माइंड में भी बना हुआ है। हाँ, और मैंने बहुत बार अपने लाइव स्ट्रीम्स के दौरान ये कहा है, पता नहीं फिर भी लोग ये सवाल पूछते हैं। चलो कोई नहीं, एक बार और मैं हाइड्रा गेमिंग के वीडियो पे ये मतलब इस सवाल को एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। तो गाइज, बात यह है कि कॉड मोबाइल 2 जो है इसके अंदर वॉरजोन होगा, ठीक है, इसके अंदर वॉरजोन होगा, एक ही गेम होने वाले हैं। हाँ, दोनों एक ही गेम होने वाले हैं। मतलब अभी अच्छे से समझिए, देखिए जब वॉरजोन पहली बार पीसी में आया था वो कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2019 का एक हिस्सा था, राइट। तो बात यह है कि जब वॉरजोन पहली बार मोबाइल में आएगा वो भी एक कॉल ऑफ ड्यूटी का ही हिस्सा होगा, बाद में जाके वो एक अपना अलग से आइडेंटिटी क्रिएट करेगा, जैसा सेम इकोसिस्टम हमको पीसी में एंड कंसोल में देखने को मिलता है,
वैसा ही सेम इकोसिस्टम हमको मोबाइल में देखने को मिलेगा। सो वॉरजोन जो है इसके अंदर होगा, जो अपकमिंग जो कॉल ऑफ ड्यूटी है उसके अंदर होगा। एंड एक्टिविजन ने ये खुद कंफर्म किया है कि वॉरजोन जो है, मतलब एक्टिविजन नहीं सॉरी मतलब आईफोन ने जो है ये कंफर्म किया है कि दे आर नॉट वर्किंग ऑन ए सिंगल गेम, दे आर वर्किंग ऑन मल्टीपल गेम्स एंड करेंटली दे आर वर्किंग ऑन टू गेम्स। तो अभी अच्छे से समझो, एक्टिविजन वाले अभी बहुत सारे गेम्स के लिए प्लान बना रहे हैं, बट राइट नाउ देयर एंड राइट नाउ दे आर वर्किंग ऑन टू गेम्स, जिसमें से एक वॉरजोन है और दूसरा है कॉल ऑफ ड्यूटी 2, यानी कॉल ऑफ ड्यूटी 2022, ठीक है, जो कि नेक्स्ट ईयर आएगा। तो यस, वॉरजोन आएगा एंड वॉरजोन अपकमिंग कॉल ऑफ ड्यूटी के अंदर होगा और उसका जो इकोसिस्टम है वो पीसी एंड कंसोल जैसा होगा। तो यही था मेरा आंसर। और गेम्स देखने के लिए मिल सकते हैं? यस यस 100% मिलेगा, जैसे कि मैंने कहा है कि सेम इकोसिस्टम लाइक पीसी एंड कंसोल। पीसी एंड कंसोल का इकोसिस्टम कैसे रहता है मैं आपको एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए पीसी पे क्या होता है कि हर साल नया गेम आता है, ठीक है, उसी गेम को वो लोग वॉरजोन के साथ कनेक्ट करते हैं हर साल, तो वॉरजोन जैसे का वैसा रहता है। लेकिन हर साल नया गेम जब आता है तो कुछ ना कुछ अपडेट दे के उस गेम को ये लोग वॉरजोन के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो यही सेम इकोसिस्टम मोबाइल में आने वाला है, ठीक है। हर 2 से 3 साल के अंदर नया कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल आएगा, उसी कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल को वो लोग वॉरजोन मोबाइल के साथ कनेक्ट कर देंगे। ऐसा ही मतलब ऐसा ही सिस्टम रहेगा, ऐसा ही कुछ रहेगा। ओके ठीक है, तो आई होप अभी जितने भी लोगों का ये द्वारा ये पूछा गया क्वेश्चन था उनके माइंड में अभी इस चीज को रिलेटेड कोई डाउट नहीं होगा। आई होप यस एल्फू भाई ने यहाँ पे आप सभी को एक्सप्लेन कर दिया। एल्फू भाई आपके लिए एक लास्ट सवाल इस वीडियो का ये है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इससे ज्यादा सवाल लिटरली मैंने तो कभी नहीं देखा होगा कि वॉरजोन मोबाइल की रिलीज डेट क्या है, कब हमें गेम देखने के लिए मिलेगा हमारे फोन्स में, कब इसे हम खेल पाएंगे आखिरकार। ओके तो वॉरजोन मोबाइल का रिलीज डेट गाइज, अभी जो है मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ ये इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी अपने चैनल में बहुत बार दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी आइडिया भाई के साथ एक बार फिर से हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो वॉरजोन का डायरेक्ट लॉन्च नहीं होगा, पहले इसका अल्फा आएगा, देन बीटा आएगा, उसके बाद इसका ग्लोबल रिलीज होगा। वॉरजोन मोबाइल का जो ग्लोबल रिलीज है वो नेक्स्ट ईयर कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2 के साथ कनेक्टेड है। कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2 अगर अक्टूबर में रिलीज होता है तो वॉरजोन मोबाइल भी जो है या तो अक्टूबर या तो नवंबर में रिलीज होगा, इतना आप श्योरिटी मान लीजिए। रही बात इसके अल्फा की, तो इसका जो अल्फा है, जो फाइनल बिल्ड है पहले अल्फा का, वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है एंड इसका जो अनाउंसमेंट है वो हमको फरवरी में देखने को मिलेगा। एंड जो अल्फा है वो हमको आई थिंक अप्रैल से लेके मई के अंदर हमको इसका पहला अल्फा देखने को मिल सकता है। उसके बाद जो बीटा है, मतलब अगले साल के सेकंड क्वार्टर में हमें देखने के लिए मिल सकता है अल्फा इसका। हाँ, और इसका जो बीटा है वो उसके 2-3 महीने बाद देखने को हमको मिल सकता है, यही मैं कहना चाहूंगा। यस ओके, तो आपको क्या लगता है कि इसका जो फाइनल कंप्लीट जो ग्लोबल लॉन्च होगा वो कब तक हमें देखने के लिए मिल सकता है? जैसे कि मैंने कहा कि नेक्स्ट ईयर कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2 जब रिलीज होगा उसके साथ ये या तो उसके साथ साथ ये आएगा या तो उसके 1 या 2 हफ्ते बाद, ऐसा ही मतलब आप समझ लीजिए। अच्छा, सो अराउंड लाइक अक्टूबर टू नवंबर, है ना? यस ओके ओके ओके। सो गाइस आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि वॉरजोन मोबाइल आपको जो कम्प्लीटली जो ग्लोबल लॉन्च रहेगा इसका आपको वो देखने के लिए मिल सकता है 2022 के लाइक अक्टूबर से नवंबर के मंथ में आपको देखने के लिए मिल सकता है। और बात रही इसके बीटा वर्जन की, तो वो आपको अगले साल के सेकंड क्वार्टर में अप्रैल से लेके मई तक में कभी भी देखने के लिए मिल सकता है। ओके सो दैट वाज इट आई थिंक हैदरा भाई, यही था ना सारा सवाल? हाँ भाई यही था सारा सवाल, बट अगर आप लोग अभी पूछना चाहते हो तो भाई इस वीडियो के नीचे जाके कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछ सकते हो, जो कि आप चाहोगे कि अगर हम अपनी नेक्स्ट पार्ट के अंदर इस वीडियो के अगले पार्ट के अंदर कवर करें, सो वी विल डेफिनेटली डू दैट।
अगर कोई सवाल हमसे मिस हो गया हो तो प्लीज भाई नीचे कमेंट सेक्शन में जाके लिखो कि एल्फो भाई नेक्स्ट वीडियो पे ये सारे टॉपिक्स को कवर करो, हम करेंगे। और भाई सिर्फ वॉरजोन मोबाइल ही नहीं, बहुत सारे गेम्स आने वाले हैं, वैलोरेंट मोबाइल, एपेक्स लेजेंड मोबाइल, बैटलफील्ड मोबाइल, बहुत बहुत ढेरों सारे गेम्स आने वाले हैं। और अगर आपको घर के मिलने वाला है, हाँ भाई, और अगर आपको ऐसे ही मतलब न्यूज और ऐसे ही डिस्कशन वाले वीडियोस और चाहिए तो भाई हाइड्रा गेमिंग के चैनल को चेकआउट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, हम दोनों के चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और बस यही कहना था। और हाइड्रा भाई क्या आपको कुछ और कहना है? मैं और क्या कहूँ, आपसे तो बोल ही दिया सब। ओके भाई, तो चलो यही पे आज हम हमारा वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर। तो सुन लिया ना आपने जो एल्फू भाई ने सब कहा था, हाँ तो वो सब कर देना। और बाकी हाँ, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना हो और चाहते हो कि वो नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करें तो कमेंट्स में लिख के बता देना। बाकी मिलूंगा मैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में, तब तक लिए टाटा बाय बाय गाइस।